मॉर्निंग गाइस, वेरी वेरी वेलकम टू माय चैनल। शायद 21 तारीख वाला संडे है। आई एम स्टार्टिंग व्लॉग टुडे। एग्जैक्टली एक महीने बाद में मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 21 तारीख को मैं आई थी, मार्च 21 मार्च को। आज 21 अप्रैल है। आई टुक अ ब्रेक मस्त वाला। दोनों बच्चे अपना अपना काम कर रहे हैं, खेल रही है, एक अपना काम कर रही है। एंड मैं बस अभी लंच की भी तैयारी करूँगी। उससे पहले मुझे एक काम करना है इंपॉर्टेंट, तो वो हम निकल लेते हैं। मैं तो जब व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, हाई कर देती हूँ। आई होप दैट यू विल एंजॉय दिस व्लॉग। यहाँ पे सिया खेल रही है, गिरने की कगार पे है, पर इसका रोज का हो गया है तो आई थिंक नॉर्मल है इसके लिए। प्लस बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, मस्त मौसम हो रहा है। एज यू कैन सी, मैं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि बहुत सर्दी है, बट लुक एट द व्यू गाइस, इट्स सो अमेजिंग। और मैंने यहाँ पे कुछ काम म्यूजिक लगाया हुआ है ताकि माँ को शांति मिले। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हेलो हेलो गाइस, आज है 22 अप्रैल। और भाई मैं सुबह अभी जस्ट सुबह के 10:40 समथिंग हो रहे हैं और मैं अभी अभी घर पे आई हूँ ईरिशा को स्कूल छोड़ के। इट्स सो लेट आई नो, बट जो बाहर मौसम हो रहा है, गंदा 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 मौसम, इतनी बारिश, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा, भयंकर ठंडी आंधी, मतलब मान लो आप। और दो बच्चे मेरे साथ में, तो इतना मुश्किल से मैं छोड़ के आई हूँ। एक को स्ट्रॉलर में पटक के और उसके ऊपर कवर अप करके, और एक को सर्दे में लपेट के, मैं खुद छाता पकड़ के। सो हैक्टिक, बहुत हैक्टिक थी सुबह की मॉर्निंग। और एक और कमल की बात, हम निकल रहे थे, इससे पहले पहले सिया जी ने घर की चाबी घुमा दी। इमेजिन, एक घंटा लगा मुझे चाबी ढूंढने में। ऐसे करके मैं कुछ इसको सिया को ऐसे कवर करके लेके गई थी और ये ऋषा इसको ऐसे छाते में लगा। तो समझ नहीं आता, भगवान जब ये स्ट्रगल देता है ऐसे तो उसे क्या लेसन मिलता होगा। आई मीन क्या लेसन मिला इससे, आई डोंट अंडरस्टैंड। कमेंट्स में बता मुझे कि क्या लेसन मिल रहा है मुझे ऐसे स्ट्रगल देके भगवान जी। आज मेरा कुछ प्लान है नहीं, मुझे बस थोड़ा बहुत घर का कुछ काम करना है। वर्किंग ऑन वन प्रोजेक्ट, तो उस पर काम करना है। बट हियर इज न्यू कॉफी मग गाइस, क्योंकि मेरा जो उसको ऐसे कवर हो जाता है, गर्म रहता है इसमें, क्योंकि मैं इसमें पीती हूँ ना, तो मेरे को सिया पीने नहीं देती। जब तक मैं पीती हूँ तब तक ठंडी हो जाती है, मैं इसको बाद में करूँगी। इसलिए मैंने कप लिया ताकि ठंडी ना हो, मैं आराम से पी सकूं चैन से। बाय द वे, मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया वापस से। वाले जो भी फॉलोअर्स हैं यहाँ पे, जो कि बाहर रहते हैं इटली में या कहीं पे भी रहते हैं, प्लीज़ फॉलो मी, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई नीड हेल्प, आई नीड फॉलोअर्स। गाइस 3 बज रहे दोपहर के, और भाई साहब मेरा जो सर दुख रहा है, क्योंकि आई वॉज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट दैट आई टोल्ड यू जस्ट कि मैं सुबह कि मैं करूँगी उसके ऊपर। बट इस चक्कर में मैंने घर का कुछ काम नहीं किया और मेरे घर की जो लंका लगी हुई, गाइस लेट मी शो यू। मतलब मैं जब से आई तब से इतना हालात खराब नहीं हुए जितने अभी हो रखे हैं। ठीक है, क्लीन ऑल दिस एंड हैव टू सॉर्ट ऑल दिस। व्हाई यू टेक माय क्लिप्स? कौन सी क्लिप्स लिया मैंने आपकी? वो पर्पल वाली। कहाँ ली? आई डोंट हैव एनी क्लिप्स। In your room, almari. You have that purple one. I see it. Then you can take it back. I did not take it. You can take them back. Okay. So I was saying कि तो अब मेरे को ना थोड़ा सा सर्वर भी दुखने लग गया है, तो मैं सोचा कॉफ़ी पीते हैं। एंड टर्न आउट कि दूध खत्म हो गया है। तो गाइस मैंने आज बनाई मेरी ब्लैक कॉफ़ी, जो मतलब मैंने कभी पी नहीं है ब्लैक कॉफ़ी, और मैंने बड़ा क्यूट सा कप लिया। लेट मी शो यू दिस वन। गाइस कि मेरे को ना कप्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्यूट कप्स, एंड मेरे को स्टेशनरी भी बहुत अच्छी लगती है। लाइक हमेशा से लगती थी, पर मुझे अभी रियलाइज़ हुआ है कि अच्छी बहुत लगती है। ठीक है, तो अभी मैं जिसमें पीने वाली हूँ, और मैंने कभी ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी है, तो मैंने सोचा लेट मी रिकॉर्ड माई सेल्फ डूइंग दैट। है ना, इसकी शक्ल तो बहुत गंदी है। चीयर्स। नॉट बैड, कड़वी नहीं है, पर इतनी मतलब दूध जैसी भी नहीं है, पर कड़वी भी नहीं है, इट्स नाइस। एम आई टर्निंग इन इटालियन गाइस? एम आई टर्निंग इटालियन? नो आई एम नॉट, आई विल बी फॉरएवर इंडियन। ऑल्सो वी गॉट दिस कारपेट, दिस वन, वो के भी मैं लगाऊंगी यहाँ पे, और ये वाला कारपेट मैं लगाऊंगी बच्चों के प्ले रूम में कारपेट, ताकि बच्चे जो है आराम से खेल सकें। टेम्प्रेरी सेटअप करा हुआ है क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि आई विल मूव दिस हाउस वेरी सून, तो यहाँ पे कपड़े पड़े एक्सक्यूज, क्योंकि बारिश आ रही है ऑब्वियसली। तो इस जो ये एरिया है यहाँ पे मैं वो कारपेट लगा दूंगी। नया कारपेट है वो मैं
आगे वाले हॉल में लगा दूंगी। अब बहुत टाइम से हमें को ना ये चीज करनी थी, पर कारपेट से ये यूजली महंगे आते हैं तो हमारे बजट में नहीं अलाउ करा था। बट अभी रिसेंटली कोई काम से गए थे वहाँ पे, जिस्क करके स्टोर है, बहुत सही आपको घर का सामान मिल जाता है वहाँ पे और काफ़ी ठीक रेट में, तो वहाँ पे डिस्काउंटेड था कारपेट, तो फिर दैट्स वाई वी गॉट इट, लाइक वी बुक्ड इट। तो आज ये डिलीवर हुआ है, लेकर आई मेरे हस्बैंड, आई मीन, और ड्रेस करने के बाद में पूरी एक्सप्लेनेशन, तो मैं उसको लगाऊंगी। तो मैं आई थिंक मैं जो क्लीन करूंगी सब कुछ, तो मैं इसको टाइम लैप्स कर दूंगी अभी टू शो ऑल माय वर्क एंड आई आल्सो हैव टू फिनिश दैट प्रोजेक्ट। बाय। उधर से भी साफ करना थोड़ा, उधर गंदा और दिख। हाँ ऐसे, शाबाश, सारी कर दे उधर भी ऐसे, शाबाश। ये दे रहे हो गाइस, सारा साफ कर दे अच्छे से। ये देखो धमाधम। This is the carpet. But right now it's okay. वैसे भी मेला हो जाना थोड़े दिन के अंदर। I don't know why I choose white. Like judging myself now. क्या कर लिया तूने अभी है? But ठीक है, look good. नहीं तो मैं इसको ना बाद में bedroom के अंदर place कर दूँगी। Well, till now. It is what it is. कुछ नहीं करना, बस खिला के इनको सुलाना है और मेरे सारा काम भी हो गया, सफाई भी हो गई है। तो आई एम जस्ट गोइंग बैक टू माय प्रोजेक्ट। हाय, हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग जी, वेरी वेरी वेलकम टू माय चैनल। दो दिन बाद व्लॉग कर रही, दो दिन बच्चे बीमार थे मस्त वाले, तो बिल्कुल उनकी सेवा बारी में लगे हुए थे। आज मैं सुबह उठ के रेडी किया स्कूल के लिए कि चलो दो दिन की छुट्टी कर लिया, स्कूल चलते हैं। जैसे घर से बाहर निकली वैसे ही मेरी पड़ोस में जो थी वो अपनी बेटी को लेके बाहर जा रही थी। मैंने कहा यार स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनी, उसने स्कूल नहीं लेके जा रही थी उसको, तो बोलती ऐसा छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, दो दिन की छुट्टी है। तो हम फालतू में तैयार हुए और स्कूल की छुट्टी थी और कल भी है और अब क्या करें। हेलो गाइस, इतना अंधेरा क्यों आ रहा है पता नहीं। सो अभी बज रही है शाम की अप्रॉक्स 4:30। मेरे पति गए थे उधर, उधर से निकालूंगा, रास्ता इधर से है। सो आई वाज सेइंग कि अभी शाम के अप्रॉक्स 4:30 समथिंग बज रहे, हमने ईरिशा को ड्रॉप किया एक बर्थडे पार्टी में और हम आ गए मोंडोविचिनो, बिकॉज इट्स पार्टी भी यहीं पर ही है। गाड़ी के नीचे मत आ जाना, तू क्या होएगा फिर आ जाएगी। गाइस पता है आपको, अगर आप इटली के अंदर कोई आपके एक्सीडेंट कर देता है, बारिश होली नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, एक्सीडेंट अगर अगर कोई किसी और की गलती से अगर आपके लग जाती है, आपकी गलती से नहीं किसी और की गलती से, तो दे विल पे यू गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो मैं
कूद जाऊं, पर प्रॉब्लम ये है कि फिर मेरी गलती आएगी। बहुत ठंड है भाई साहब आज, इंडिया में तो गर्मी पड़ रही है, बारिश आ गई। लेट्स गो। मैं आने के बाद मैं अभी आई हूँ बस यहाँ पे। आई थिंक दिक्कत हो रही है स्टॉलर में कोई, तो इसको एस्ट्रोनॉट की तरह उड़ाया जा रहा है। एस्ट्रोनॉट की प्रॉब्लम हो गई नीचे। मेरी आउटफिट गाइस कैसा लग रहा है, पर आज मैंने कोई सदियों बाद भी बाल खोले। ज्वेलरी छोटी थी ना तब की डिजाइन है यार, ये लंबे लंबे वाले नेकलेसेस, they're all 2010। No. Oh guys, तो हम ना अभी पिकअप करने आ गए ऋषा को उसकी बर्थडे पार्टी से, एंड ये मैकडॉनल्ड्स में हो रही है। ऋषा का भी बर्थडे आने वाला है 4-5 महीने में, देखते कहाँ गए। बीच में रुकने के लिए रियली सॉरी गाइस, मगर जैसा कि आपको पता है कि जलती हुई तपती हुई गर्मी आ गई है, तो मुझे सनस्क्रीन खरीदनी थी मेरे दोनों बच्चों के लिए। तो फाइनली आई फाउंड दिस अमेजिंग सनस्क्रीन फ्रॉम मामा आर्ट बेबी रिच, जिसके अंदर SPF 50 है, और साथ ही साथ में मैंने इनका बाथिंग बार भी ट्राई किया था। अभी जो सनस्क्रीन है ना गाइस, इसके अंदर UVA और UVB प्रोटेक्शन है जो कि मुझे चाहिए थी, और साथ ही साथ में मुझे पूल और बीच के लिए भी वाटर रेजिस्टेंट चाहिए थी। तो ये जो है 120 मिनट, मतलब कि अप्रॉक्स 4-5 घंटे तक इसकी प्रोटेक्शन रहती है। और मैं अपने बच्चों का कुछ भी प्रोडक्ट खरीदती हूँ पूरी रिसर्च करके खरीदती हूँ, ताकि उसमें कोई केमिकल नहीं हो, बच्चों की स्किन हर्ट नहीं हो। तो इसलिए मुझे ये वाला ही प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा, साथ साथ में उसमें कोई भी वाइट कास्ट भी नहीं आती, जो भी और भी अच्छा लगता है। या फेस और बॉडी पे इजीली यूज़ कर सकते हो, और साथ ही अपने बैग में भी बहुत आराम से कैरी कर सकते हो, बिकॉज इट्स वेरी स्लीक, और आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, आपको किसी भी शॉप से ले सकते हो, और साथ ही साथ नायका अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे तो ले ही सकते हो। बट अगर आप इनकी वेबसाइट से बाय करते हैं तो आप ये कूपन कोड लगा सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, PONR2024, जिससे कि आपको मिल जाएगा ऑफ डिस्काउंट। तो डोंट फॉरगेट टू चेक इट दिस आउट एंड लेट मी नो कि आपको कैसी लगी। हेलो जी, सो आज है संडे और आज 28 तारीख है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, एंड अभी शाम के प्रॉक्स 5-6 बज रहे हैं, एंड यार बहुत बारिश हो रही है, बच्चों की छुट्टी है, वी आर नॉट डूइंग रियली मच, वी जस्ट प्लेइंग टुगेदर एंड जस्ट यू नो चिलिंग एंड एंजॉइंग। और दो दिन मेरे सिस्टर इन लॉज भी आए हुए थे दोनों, तो इसलिए आई वॉज लाइक जॉय टाइम, मतलब मैं उनके साथ में टाइम स्पेंड कर रही थी एंड बस प्ले कर रही थी एवरीथिंग। बाय।